Hello friends, how are you? Here in this video, we are covering the chapter accounts of the company. हम इसको summarize कर रहे हैं, यहाँ पे quick revision कर रहे हैं, short notes हैं. इन notes को आप नीचे link से download कर सकते हैं. ठीक है guys? तो एक बार quick revision start करते हैं, बिना time waste किए फटाफट. आप लोग यहाँ से ये chapter बहुत जल्दी time में फटाफट revise कर सकते हैं. इसके बाद हम next chapter take up करेंगे audit report का and company audit का. तो उसकी भी रिविजनरी वीडियोज़ आई अपलोड एंड देन हम उनका प्रैक्टिस मैनुअल कवर करेंगे. राइट तो हम अकाउंट्स ऑफ कंपनी स्टार्ट करते हैं एंड प्लस ये जो अकाउंट्स ऑफ कंपनी एंड ऑडिटर्स एंड ऑडिट चैप्टर जो है ये आपका लॉ में भी कवर्ड है. तो आप दोनों का कवर हो जाएगा अगर आप इसको कवर करते हैं. तो अब इसके बाद अगर आपको बुक से रीडिंग करनी है तो आप कर लेना, अदरवाइज दिस इज सफिशियंट एंड आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो इस चैप्टर के. ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स ऑफ द कंपनी. सेक्शन 128 लोकेशन मैनर पीरियड ऑफ मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स. ठीक है बुक्स के कहाँ पर रखना है, किस तरीके से रखना है, कितने टाइम पीरियड के लिए रखना है और उन बुक्स को कौन कौन इंस्पेक्ट कर सकता है. दिस इज सेक्शन नंबर 128. ठीक है सेक्शन 128 बात करता है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्लस रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर्स जो भी नेसेसरी हैं प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है हर साल के फाइनेंशियल हर साल के लिए हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर्स यानी कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें प्रिपेयर करने हैं. ठीक है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो किन किन चीज़ों पर बेस्ड होना चाहिए इसको लर्न करने का शॉर्टकट इज डेट DATE. D is for double entry system. हमारी books जो है वो double entry system पर होनी चाहिए. A is accrual basis. Accrual basis follow होगा. T is true and fair view. हमारे जो भी affairs हैं profit and loss account है cash flow है they must represent the true and fair picture of the accounts. ठीक है explain the transactions. E से एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शन्स मीन्स आप जो भी आप एक्सप्लेन जो भी ट्रांजेक्शन्स आप अपने बैलेंस शीट एंड ऑल में दिखा रहे हो या फिर आप अपनी बुक्स में एंट्रीज कर रहे हो तो उन ट्रांजेक्शन्स के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए. बुक्स वाउचर्स होने चाहिए. ऐसा नहीं कि आप अननेसेसरी कुछ भी ट्रांजेक्शन्स बुक कर रहे हो. ठीक है द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट कंटेन्स डेट. डेट इज डबल एंट्री सिस्टम एक्रूवल बेसिस ट्रू एंड फेयर व्यू एंड एक्सप्लेनिंग द ट्रांजेक्शन्स. ठीक है रूल 3 है देन कंपनी अकाउंट्स रूल्स 2014 का जो बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रिपेयर होंगे प्लस इंडिया में एक्सेसिबल होंगे. ठीक है इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपको प्रिपेयर करना है एंड वो इंडिया में एक्सेसिबल होने चाहिए. आपको जिस भी ओरिजिनल फॉर्मेट में रिसीव हुए हैं आपको वो ओरिजिनल फॉर्मेट मेंटेन करना है. अगर आप वो ओरिजिनल फॉर्मेट मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो आपको ऐसे प्रेजेंटेबल वे में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी है जो हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे. ठीक है आपको ओरिजिनल फॉर्मेट मेंटेन करना है. अगर आप ओरिजिनल फॉर्मेट मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन रखनी है कि जो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे. ठीक है अब अगर आपको ब्रांच से कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है अगर कंपनी है उसकी ब्रांचेस हैं तो ब्रांच की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ऑल्टर नहीं होनी चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में होनी चाहिए. ठीक है जैसी मिली है आपको वो इन्फॉर्मेशन वैसी ही मेंटेन करनी है एंड जो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो एक रीडेबल फॉर्म में होने चाहिए. ठीक है ऐसे हफाजार मैनर में प्रिपेयर नहीं होने चाहिए. एक रीडेबल मैनर में होगा रीडेबल फॉर्म में होगा तो कोई भी उनको एक्सेस कर सकता है एंड ईजिली समझ सकता है. ठीक है देन इट शेल नॉट बी डिस्पोज ऑफ अनलेस परमिटेड बाय द लॉ शुड नॉट बी रेंडर्ड अनयूजेबल. ठीक है ना तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्पोज ऑफ करोगे और ना उसको ऐसे किसी फॉर्म में लेके आओगे जिससे हम उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है वो यूजेबल फॉर्म में होनी चाहिए रीडेबल फॉर्म में होनी चाहिए एंड जब तक लॉ परमिट नहीं करता जितना टाइम पीरियड लॉ ने बताया है आप उतने टाइम पीरियड से पहले अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो. ठीक है आपको सर्वर्स जो आपके इंडिया में मेंटेन हैं उन सर्वर्स पे आपको बैकअप रखना है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का. ठीक है जो भी फिजिकली इंडिया में आपके सर्वर्स अवेलेबल हैं तो वहाँ पर आप अपना बैकअप मेंटेन करना. ठीक है इंटीमेट करोगे रजिस्ट्रार को एनुअल बेसिस पे
कि सर्विस प्रोवाइडर का नेम क्या है, सर्विस मतलब आप इंटरनेट सर्विसेज जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपने किन की सर्विसेज ली हैं, प्लस आपका आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस आप सबको पता होगा, ठीक है, कि आपको ट्रैक करने के लिए कि आपने कहाँ से ऑनलाइन मोड, कहाँ अपने जिस लैपटॉप में यूज़ कर रहे हो या जिस सिस्टम पे यूज़ कर रहे हो, सबका अपना एक इंडिविजुअल आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। लोकेशन क्या है सर्विस प्रोवाइडर की, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के इलेक्ट्रॉनिक मोड पे, उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन क्या है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑन क्लाउड, अगर आप क्लाउड पे मेंटेन कर रहे हो तो आपको वहाँ का भी एड्रेस देना है, ठीक है। ये सब रूल 3 में कवर्ड है। नाउ वो लोकेशन की बात कर रहा है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ मेंटेन करनी है। लोकेशन के लिए बोलता है कि हमें रजिस्टर्ड ऑफिस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस में हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखेंगे, अगर किसी और जगह पर रखा हुआ है, अगर हम रजिस्टर्ड प्ले ऑफिस में मेंटेन नहीं कर रहे हैं, अगर हमने कहीं और रखा हुआ है, तो हम विद इन 7 डेज ROC को इन्फॉर्म करेंगे। एंड फॉर्म नंबर कौन सा है, फॉर्म इज AOC 5, ठीक है। 7 डेज में हम ROC को ROC इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है, हम ROC को इन्फॉर्म करेंगे 7 डेज के अंदर अंदर AOC 5 फॉर्म में, ठीक है। ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस अपनी समराइज रिटर्न्स मेंटेन करेगा, ठीक है। ब्रांच जहाँ पर भी है उसका समराइज रिटर्न हेड ऑफिस मेंटेन करेगा ROC के पास, ठीक है। फिर 8 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए आपको बुक्स रखनी है, ठीक है। जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अगर आपका इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने या किसी भी वे में आपका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स 8 ईयर्स से ज़्यादा मेंटेन करने के लिए भी बोला जा सकता है, तो उस केस में आपको 8 ईयर्स से ज़्यादा भी मेंटेन करनी पड़ सकती है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको 8 ईयर्स तक मेंटेन करनी है। नाउ रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है इन सब रेगुलेशंस को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है नहीं करना, तो ये वाले जो भी आपका अभी तक हमने जो प्रोविजंस पढ़े, इन सब के प्रोविजंस को मेंटेन कौन करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हमको इनको फॉलो करेंगे, उसका शॉर्टकट है CWMA। सी इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, W इज होल टाइम डायरेक्टर फाइनेंस में हो, ठीक है। M इज MD ऑफ द कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड A इज एनी अदर पर्सन चार्ज विद द ड्यूटी बाय द बोर्ड, ठीक है, कोई और पर्सन जिनको बोर्ड ने ऑथराइज किया हो, ठीक है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, होल टाइम डायरेक्टर, MD और एनी अदर पर्सन, CWMA। पनिशमेंट क्या है, 1 ईयर का आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, मिनिमम फाइन है 50,000 जो कि अप टू 5 लाख भी जा सकता है, या फिर आपको दोनों पनिशमेंट भी हो सकती है, 1 ईयर और 50,000 to 5 लाख, ठीक है। नाउ डायरेक्टर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, रजिस्टर्ड ऑफिस से भी ले सकते हैं, किसी और प्लेस से भी ले सकते हैं, और ऑफिस आवर्स में, ठीक है, यानी बेसिकली बिजनेस आवर्स जब भी होते हैं कंपनी के, बिजनेस आवर्स माने जाते हैं अप टू 5 o'clock इवनिंग में, ठीक है। और अपने अपनी कंपनी से वेरी करता है, अगर रात को 10 बजे भी ऑफिस खुला हुआ है, वहाँ पे बिजनेस ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि रात के 10 बजे हैं, दीज आर नॉट द बिजनेस आवर्स। अगर वहाँ पे बिजनेस कंडक्ट हो रहा है, ऑफिस खुला हुआ है, स्टाफ है, तो वो भी बिजनेस आवर्स में ही काउंट होगा, ठीक है, चाहे रात के 10 बज रहे हों। कुछ ऑफिसेज हैं जिनमें नाइट शिफ्ट चलती है, तो उसमें रात को हम बिजनेस आवर्स मान के चलेंगे, ठीक है। अगर आउटसाइड कंट्री है तो डिमांड कर सकता है कि मुझे कॉपीज़ चाहिए, तो डायरेक्टर को कॉपीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। अगर पर्सन ऑथराइज्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन इंस्पेक्ट सब्सिडरी, ठीक है, जिस पर्सन को रेजोल्यूशन के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑथराइज किया है कि आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, वो ही पर्सन सब्सिडरी की इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट कर इंस्पेक्ट कर सकता है, और कोई नहीं करेगा, ठीक है। रूल 4 बोलता है कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014 का, कि समराइज रिटर्न्स ऑफ बुक्स आउटसाइड इंडिया सेंड टू द रजिस्टर्ड ऑफिस क्वार्टरली, ठीक है। आउटसाइड इंडिया जो भी हमारी कंपनी के ब्रांचेस हैं, तो उनकी जो समराइज रिटर्न है वो रजिस्टर्ड ऑफिस में क्वार्टरली बेसिस पे भेजी जाएंगी टू द रजिस्ट्रार, ठीक है, एंड उनका इंस्पेक्शन भी डायरेक्टर कर सकता है, ठीक है। डायरेक्टर को रजिस्टर्ड ऑफिस में इंस्पेक्ट करेगा, किसी और प्लेस पे करेगा, बिजनेस आवर्स में, ठीक है। आउटसाइड कंट्री है तो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, और जो पर्सन ऑथराइज है रेजोल्यूशन के थ्रू वो सब्सिडरी का इंस्पेक्ट कर सकता है,
रूल 4 बोलता है कि अगर आउटसाइड इंडिया कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है तो समराइज रिटर्न आप क्वार्टरली बेसिस पे रजिस्ट्रार को भेजोगे, एंड वो जो समराइज रिटर्न भेज रहे हैं वो डायरेक्टर्स उनको इंस्पेक्ट कर सकता है. ठीक है, कोई और इन्फॉर्मेशन अगर उसको चाहिए जो आउटसाइड कंट्री से मंगवानी है तो डायरेक्टर जो है वो रिक्वेस्ट फर्निश करेगा और बताएगा कि कितने पीरियड के लिए उसको वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है. ठीक है, अगर बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्टर विल फर्निश द रिक्वेस्ट फॉर द फुल डिटेल्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द पीरियड अप टू विच दैट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड. ठीक है, ये पीरियड वो नहीं है कि आपको कितने टाइम बाद इन्फॉर्मेशन चाहिए, पीरियड है कि आपको कितने टाइम के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए. ठीक है, और जब रिक्वेस्ट प्लेस करी है डायरेक्टर ने जब रिक्वेस्ट प्लेस की है कंपनी को कि मुझे ये डिटेल्स चाहिए, देन कंपनी इज़ लायबल टू प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड दैट डिटेल्स, प्रोवाइड दोज इन्फॉर्मेशन इन 15 डेज टू द डायरेक्टर. ठीक है, कंपनी 15 डेज के अंदर अंदर डायरेक्टर को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी जो डायरेक्टर ने कंपनी से मांगी है. ठीक है, आउटसाइड इंडिया के केस में, और अगर विद इन इंडिया था तो हम रूल 3 में कवर कर रहे थे उसको. नाउ डायरेक्टर हिमसेल्फ नॉट बाय पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर एजेंट रिप्रेजेंटेटिव, ये बोल रहा है कि जो भी इन्फॉर्मेशन ऊपर डायरेक्टर ने मंगवाई है वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर खुद मंगवाएगा, किसी और के थ्रू नहीं मंगवाएगा, चाहे वो उसका रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे उसका एजेंट हो, चाहे कोई पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हो, बी इट एनी पर्सन, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन खुद मंगवाएगा, किसी और से नहीं मंगवाएगा. ठीक है, अब नाउ 129 सेक्शन नंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पता ही है ट्रू एंड फेयर व्यू डिपिक्ट करने चाहिए, दिस इज़ अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट कि ट्रू एंड फेयर व्यू. हमारा बेसिक ऑडिट का मकसद ही यही होता है कि वेदर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड डिपिक्ट्स द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी. ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई कर रहा है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हो रहे हैं तो आपको तीन चीज़ें बतानी है, डेविएशंस क्या क्या हैं, जो एग्जैक्ट प्रोविजन था उससे आप कितना डेविएट कर रहे हो, डेविएशंस के रीजंस क्या क्या हैं, एंड आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फाइनेंशियल अफेक्ट क्या आ रहा है. ठीक है, अगर आप यू हैव टू कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इफ़ यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड यू हैव टू मेंशन द डेविएशंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्लस द रीजंस फॉर द अडॉप्टिंग द डिफरेंट मेथड फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट मेथड. ठीक है, आपने जो भी डिफरेंट मेथड अडॉप्ट किया है एक्सेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो आपको क्या फाइनेंशियल इफेक्ट हो रहा है, आपकी बुक्स में क्या इम्पैक्ट आया है उसका. ठीक है, शेड्यूल 3 गवर्न करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ये आप सबको पता ही है. ठीक है, कंपनी हैविंग सब्सिडरी इंक्लूडिंग एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एक कंपनी है जिसकी सब्सिडरी है, ये मैंडेटरी कर दिया गया है अब से कि जिनकी भी सब्सिडरी है चाहे वो एसोसिएट है या जॉइंट वेंचर है. ठीक है, अगर एग्जैक्ट सब्सिडरी नहीं है और अगर एक कंपनी के एसोसिएट या जॉइंट वेंचर है उसको सब्सिडरी की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है. ठीक है, तो अगर आपके सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर कुछ भी है तो आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं एंड दिस इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. ठीक है, नॉट एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये जो प्रोविजन है ये इंश्योरेंस, बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है. द रीज़न बीइंग, आप सबको पता है इनके लिए अलग से अकाउंट्स के रूल्स हैं, इनके लिए अलग से प्रॉपर फॉर्मेट्स हैं कि इनकी बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होगी, तो इनके लिए सारे रूल्स जो हैं वो अलग चलते हैं, हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस कैश फ्लो स्टेटमेंट लेड डाउन एट AGM बाय द बोर्ड. ठीक है, मेंबर्स की मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, तो वहाँ पे मेंबर्स से अप्रूवल के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट बोर्ड जो है वो AGM में लेड डाउन करेगा. ठीक है, बिफोर द मेंबर्स. नाउ रूल 6 है ऑफ कंपनी अकाउंट्स रूल 2014. रूल 6 बोलता है कंसोलिडेशन करना है एज पर शेड्यूल 3 एंड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, कंसोलिडेशन इज नॉट नेसेसरी इफ हम कंसोलिडेशन नहीं करेंगे अगर ये कंडीशंस हैं. द फर्स्ट कंडीशन इज़ कि आपकी होली ओन सब्सिडरी है या फिर पार्शली ओन सब्सिडरी है एंड जितने भी मेंबर्स हैं उस पर्टिकुलर सब्सिडरी के उनको आपने रिटर्न में इंटीमेट कर दिया है कि हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना रहे हैं.
ठीक है, प्लस वो जो आपने रिटर्न में कम्युनिकेट किया है उसका आपके पास प्रूफ है डिलीवरी का कि आपने ये रिटर्न कम्युनिकेशन उनको दिया है, एंड वो लोग ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं कि कोई फाइनेंस कोई कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। इस बात से उस सब्सिडियरी के मेंबर्स को जिनको आपने इंटीमेट किया है कि हम नहीं बना रहे इन राइटिंग, वो लोग कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे, वो ये बोल रहे हैं कि ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं बनेगी, वी डोंट माइंड, वी डोंट वांट द डिटेल्स, ठीक है। सिक्योरिटीज़ जो हैं उस पर्टिकुलर सब्सिडियरी की लिस्टेड नहीं है, ना लिस्टेड होने वाली हैं, ठीक है। नो कंसोलिडेशन इफ अगर पार्शली या होली ओन सब्सिडियरी है ना, आपने उसके मेंबर्स को इंटीमेट कर दिया है राइटिंग में विद द प्रूफ ऑफ डिलीवरी, एंड वो लोग कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं फॉर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड जो सिक्योरिटीज़ है कंपनी की वो लिस्टिंग लिस्टेड नहीं है एंड नॉट इन द प्रोसेस, यहाँ पे नॉट लिस्टेड आएगा, यहाँ पे नॉट लिस्टिंग लिखा हुआ है, सिक्योरिटी इज़ नॉट लिस्टेड प्लस नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, ठीक है, ना तो लिस्टेड है और ना इन द प्रोसेस है लिस्टिंग के, ना नियर फ्यूचर में लिस्ट होने वाली है, ठीक है। अल्टीमेट और इंटरमीडिएट होल्डिंग प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, एक कंपनी है उसकी कोई अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है, वो अगर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रही है एंड या फिर कोई बीच में कोई होल्डिंग कंपनी है अगर वो प्रिपेयर कर रही है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो तब उस केस में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। यानी कि एक सब्सिडियरी है, ठीक है, उसकी फर्दर कोई सब्सिडियरी है एंड इसकी होल्डिंग है, ठीक है, तो होल्डिंग अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है तो ये वाली सब्सिडियरी की होल्डिंग तो ये हो गई ना बेसिकली, क्योंकि ये इसकी सब्सिडियरी है, तो इसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये जो तीन कंडीशंस हैं, ये वाली, ये तीन कंडीशंस तीनों की तीनों फुलफिल होनी चाहिए, यहाँ पर और नहीं है, यहाँ पर एंड है, ठीक है। ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होगी एंड कि आप इंटीमेट कर रहे हो राइटिंग में, ये भी फुलफिल होगी कि सिक्योरिटीज़ लिस्टेड नहीं है, एंड ये भी फुलफिल होगी कि अल्टीमेट होल्डिंग या इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी जो है वो कंसोलिडेशन कर रही है, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस केस में आपको कंसोलिडेशन नहीं करना, अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपको कंसोलिडेशन करना इज कंपल्सरी, ठीक है। और जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 14-15 था, 1 अप्रैल 14 से स्टार्ट था एंड 31 मार्च 15 पे एंड था, तो अगर आपकी कोई सब्सिडियरी नहीं है तो आपको कंसोलिडेशन नहीं करना, ठीक है। ये सिर्फ 14-15 के लिए एप्लीकेबल है, उसके बाद से अब मैंडेटरी हो गया है कि आपकी अगर सब्सिडियरी है तो आपको कंसोलिडेशन करना इज़ कंपलसरी। 2014-15 फाइनेंशियल ईयर में जब ये फ्रेश एप्लीकेबल हुआ था तो उस टाइम पर ये बात बोली गई थी कि अगर आपकी सब्सिडियरी नहीं है तो आप कंसोलिडेशन नहीं करना, मतलब सब्सिडियरी बेसिकली अगर आपके सिर्फ एसोसिएट या जॉइंट वेंचर्स हैं सपोज, ठीक है, और आपकी कोई सब्सिडियरी नहीं है तो आपको कंसोलिडेशन नहीं करना। बट प्रेजेंट केस में क्या प्रोविजन है कि अगर आपकी सब्सिडियरी नहीं है और आपके जॉइंट वेंचर या एसोसिएट्स हैं तब भी आपको कंसोलिडेशन करना है, बिकॉज सब्सिडियरी की डेफिनेशन में जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स को इंक्लूड कर दिया है। लेकिन 2014-15 के केस में अगर आपकी सब्सिडियरी नहीं है और जॉइंट वेंचर है तब भी आप कंसोलिडेशन नहीं करोगे, ठीक है। एंड सेम फाइनेंशियल ईयर में 14-15 में अगर आपकी सब्सिडियरी है बट वो आउटसाइड इंडिया है तो आपको कंसोलिडेशन नहीं करना है, ठीक है। या तो सब्सिडियरी नहीं है या फिर सब्सिडियरी है लेकिन आउटसाइड इंडिया है, तो अगर आपकी फॉरेन सब्सिडियरी है तो फॉरेन सब्सिडियरी के केस में भी आपको कंसोलिडेशन करना इज़ नॉट कंपलसरी। बट दीज टू पॉइंट्स आर ओनली एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 2014-15, उसके बाद से अब मैंडेटरी हो गया है, बी इट आपकी फॉरेन हो, बी इट आपकी इंडियन हो, बी इट आपकी सब्सिडियरी है ही नहीं, आपके पास जेवी है या एसोसिएट्स हैं, ठीक है। आई गेस ये प्रोविजंस क्लियर हैं, आप एक बार वापस से वीडियोस को बैक करके सुन सकते हैं, मैं वापस रिपीट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, आप इसको रिपीट करके सुन सकते हैं, प्लस आई वुड रिकमेंड कि आप 2-3 बार वीडियो देखोगे तो आपको वैसे ही ये सारे प्रोविजंस लर्न हो जाएंगे, ठीक है, और आप स्पीड इंक्रीज भी करके देख सकते हो। नाउ रूल 5 क्या बोल रहा है, रूल 5 बोलता है कि स्टेटमेंट जो भी फीचर्स हैं सब्सिडियरी के, ठीक है, वो फीचर्स आप AOC 1 में बताओगे, स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ एक स्टेटमेंट लगेगी, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में AOC 1 में आपको फीचर्स बताने हैं सब्सिडियरी के, ठीक है। आपकी जो भी सब्सिडियरी है अगर आप कंसोलिडेशन कर रहे हो या कुछ भी आप सब्सिडियरी की डिटेल्स दे रहे हो तो एक स्टेटमेंट फर्निश करनी पड़ेगी आपको विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड AOC 1 उसका फॉर्म नंबर है, उस फॉर्म में आप फीचर्स बताओगे अपनी सब्सिडियरी के,
ठीक है. नाउ ये जो कंसोलिडेशन वाली रिक्वायरमेंट्स हैं और ये जो सब्सिडियरी वाली रिक्वायरमेंट्स हैं, ये फुलफिल करने के लिए कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल हैं? ये फुलफिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे CWMA, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एनी अदर पर्सन. ठीक है, ऊपर चार थे, यहाँ पर इसको फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चारों के अलावा, अगर आपके पास कंपनी में CWMA नहीं है, इन केस कंपनी में CWMA नहीं है, यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या कोई और पर्सन को ऑथराइज नहीं किया गया है, तो जितने भी उस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो सब लायबल होंगे, वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है, ऑल द डायरेक्टर्स. ऊपर वाले प्रोविजंस में ऑल द डायरेक्टर्स पॉइंट कवर नहीं था, यहाँ पर हम ऑल द डायरेक्टर्स को कवर करके चल रहे हैं. पनिशमेंट अगेन 1 ईयर, 50,000 to 5 lakhs, या फिर दोनों भी हो सकती है. 1 year is imprisonment. ठीक है, now we move on to section number 130. Section 130 क्या बोल रहा है? Reopening और recasting of the accounts. ठीक है, accounts एक बार बन गए हैं, आपको उसको वापस से reopen करना है. ठीक है, reopen को ही basically recast कहते हैं, किसी चीज़ को वापस से form करना, कुछ changes करना. ठीक है, अगर आपको वापस से ओपन करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं अकाउंट्स में, तो सेक्शन नंबर 130 इज़ एप्लीकेबल. एंड एप्लीकेशन कौन कौन दे रहा है? एप्लीकेशन इज़ गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी, एनी अदर स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर एनी पर्सन. ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन दे रहा है, बीट सेंट्रल गवर्नमेंट, बीट इनकम टैक्स अथॉरिटी, बीट सेबी, बीट स्टैट्यूटरी बॉडी, बीट एनी अदर पर्सन. ठीक है, वो कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे रहे हैं और ट्रिब्यूनल नोटिस देगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी, एनी अदर बॉडी या पर्सन जिन्होंने भी एप्लीकेशन दी है, उनको ट्रिब्यूनल नोटिस देगा कि उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या क्या है, उनकी रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करेगा. ठीक है, और अगर रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करने के बाद ट्रिब्यूनल एग्री करता है, देन वो ऑर्डर पास करेगा बाय द कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल पास होगा ऑर्डर टू रीओपन और रिकास्ट द अकाउंट्स. ठीक है, एप्लीकेशन दी सेंट्रल गवर्नमेंट और इन पांचों पर्सन ने, एंड रीजंस क्या क्या होंगे एप्लीकेशन के, रीओपन और रिकास्ट किन केसेस में हो सकता है? सिर्फ दो केसेस में हो सकता है. फर्स्ट इज़ कि अगर अकाउंटिंग फ्रॉडुलेंट की गई है, कोई फ्रॉडुलेंट अकाउंटिंग मेथड यूज़ किया गया है, या फिर कंपनी में कुछ मिसमैनेजमेंट है. ठीक है, फ्रॉडुलेंट अकाउंटिंग अडॉप्टेड और द मिसमैनेजमेंट इन द कंपनी, इन्हीं दो केसेस में रीओपन हो सकते हैं. एप्लीकेशन दिया कोर्ट ट्रिब्यूनल को, कोर्ट ट्रिब्यूनल नोटिस देगा फॉर द रिकमेंडेशंस, फिर उनकी रिकमेंडेशंस कंसिडर करेगा. कंसिडर करने के बाद अगर उसको लगता है कि ऑर्डर पास होना चाहिए, देन ही विल पास द ऑर्डर टू रीओपन और रिकास्ट द अकाउंट्स. एंड जो रिवाइज्ड होंगे अकाउंट्स या फिर जो अकाउंट्स रिकास्ट होंगे, वो अकाउंट्स फाइनल होंगे और बाइंडिंग होंगे कंपनी पे. रिकास्ट होने के बाद कंपनी ये नहीं बोल सकती कि हम पहले वाले अकाउंट्स वापस से अडॉप्ट करेंगे. ठीक है, एक बार रिवाइज हो गए तो देन दोज अकाउंट्स विल बी द फाइनल एंड द बाइंडिंग ऑन द कंपनी. ठीक है, नौ सेक्शन 130 है कि कंपनी, ये तो है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल ये फाइव पर्संस जो हैं ये एप्लीकेशन दे रहे हैं. नौ सेक्शन 131 बोलता है वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट. ठीक है, मतलब कंपनी है, कंपनी खुद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिवीजन कर रही है और बोर्ड रिपोर्ट में रिवाइज कर रही है. ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट भी रिवाइज हो सकती है. नौ, कंपनी खुद ये काम कर रही है. If it appears to the director that there is non-compliance in the financial statement or board report, अगर directors को ऐसा लगता है कि financial statements और board report में किसी प्रकार का non-compliance है, किसी provisions को follow नहीं किया गया है, then company may apply to tribunal and tribunal shall give notice to, company को लगता है कि कुछ गड़बड़ है company accounts में, compliances नहीं हुए हैं, वो tribunal को apply करेगी and tribunal notice भेजेगा central government को एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी को फॉर द रिप्रेजेंटेशन, कि आप अपने रिप्रेजेंटेशन दो, आप अपने रिकमेंडेशन. यहाँ पर सिर्फ दो लोगों को नोटिस भेज रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी. ऊपर एप्लीकेशन पांच लोगों ने भेजी थी एंड नोटिस भी उन्हीं पांचों को भेज रहा था. ठीक है, एंड यहाँ पर एप्लीकेशन बाय कंपनी है एंड नोटिस जो है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और इनकम टैक्स अथॉरिटी को जा रहा है. ठीक है, फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन. देन ट्रिब्यूनल जो है वो ऑर्डर पास करेगा एंड और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बाद डायरेक्टर्स जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है, जो ऑर्डर की कॉपी है, जो भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आएगा कि आप वापस से रिवाइज कर सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को,
वो ऑर्डर की कॉपी आरओसी से फाइल हो, आरओसी को फाइल करेंगे एंड देन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो रिवाइज करेंगे। ठीक है, पहले ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद आपको आरओसी को वो ऑर्डर भेजना है, उसको भेजने के बाद ही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिवाइज करोगे, यानी कि पहले रिवाइज कर लिया, बाद में रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर रहे हो कि हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, और रीजंस क्या है रिवीजन के, आप क्यों रिवाइज कर रहे हो, ये आपको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्कस करने हैं। ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट में आप रीजंस बताओगे कि आप क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज कर रहे हो, पहले क्या कंप्लाइंस नहीं हुआ था एंड अब फर्दर आपने क्या कंप्लाइंस करना है। ठीक है, नाउ सेक्शन 133 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमारे पास तीन स्टेजेस में जाके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे अप्रूव होते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज ICAI रिकमेंड करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताता है कि ये है, वो रिकमेंड करेगा। ठीक है, नफरा को रिकमेंड करेगा, नफरा इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, देन नफरा उसको एग्जामिन करेगी, एग्जामिन करने के बाद खुद के रिकमेंडेशंस देगी कि नफरा खुद क्या सोचता है। ठीक है, उसके बाद वो आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगी, देन नफरा के रिकमेंडेशंस जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिन करेगा। ठीक है, एंड देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब हो जाएंगे नफरा के साथ कंसल्टेशन के बाद। ठीक है, ICAI रिकमेंड करेगा, फिर एग्जामिन करेगा नफरा, खुद के रिकमेंडेशंस देगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिन करेगा एंड AS प्रिस्क्राइब हो जाएंगे नफरा से कंसल्टेशन के बाद। ठीक है, पहले डिस्कशन होगा। और ये जो NFRA है, नफरा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये 2013 कंपनीज एक्ट में बनी है। ठीक है, Until specified by central government, AS specified by Companies Act shall be followed. जब तक central government specify नहीं करता है या फिर Companies Act 2013 में कुछ notify नहीं होता है, तब तक पुराने Companies Act 1956 में जो भी accounting standards बने हुए हैं उसी को हम follow करेंगे। प्लस पहले नकास हमारे पास था, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, नकास को रिप्लेस करके अब हमारे पास नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी आई है। तो जब तक नफरा, ये नया कंपनीज एक्ट आया था ना, ये तब के प्रोविजंस हैं। ठीक है, जब तक नफरा कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती है, तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन कंसल्टेशन विद नकास। ठीक है, उसको नफरा से कंसल्टेशन करना था ना, तो जब तक नफरा नहीं आता है तब तक वो नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि नकास उससे कंसल्टेशन के बाद स्पेसिफाई करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है इंडिया आपको पता है एप्लीकेबल हो गए हैं, दैट हैव कम इन टू फोर्स विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 से हमारे इंडिया एप्लीकेबल हो गए हैं। नाउ सेक्शन 134, सेक्शन 134 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट की बात करता है। सेक्शन 134 क्या बोलता है कि जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं प्लस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो भी कंपनी प्रिपेयर कर रही है उनको बोर्ड अप्रूव करेगा। ठीक है, बोर्ड शैल अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड कौन कौन पर्सन साइन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, साइन बाय द चेयरपर्सन और टू डायरेक्टर्स। उन टू डायरेक्टर्स में से एक पर्सन जो है वो MD होना चाहिए। ठीक है, वन चेयरपर्सन टू डायरेक्टर्स जिसमें से वन इज मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी अगर वो डायरेक्टर है वो तभी साइन करेगा, CEO अगर डायरेक्टर भी है तो साइन करेगा, एंड CFO प्लस CS इफ दे आर अपॉइंटेड। अगर कंपनी में कोई CFO या CS है तो वो लोग भी साइन करेंगे, और अगर कोई CFO या CS नहीं है तो वो साइन नहीं करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल्स के स्टेटमेंट्स के साथ साथ हमें ऑडिट रिपोर्ट भी देनी होती है। ठीक है, देन बोर्ड रिपोर्ट सबमिट होती है, बोर्ड रिपोर्ट्स के कंटेंट्स क्या हैं। ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट्स देखते हैं, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एनुअल रिटर्न। ठीक है, एनुअल रिटर्न जो भी कंपनी फाइल कर रही है, एनुअल रिटर्न में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है जैसे कि फाइनेंशियल इफेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, फाइनेंशियल समरी क्या है, हाइलाइट्स क्या है कंपनी की, तो एनुअल रिटर्न के जो भी कुछ कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं वो आप बोर्ड रिपोर्ट में दोगे। ठीक है, नंबर ऑफ मीटिंग्स, कितनी बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट हो रही हैं पूरे ईयर में। ठीक है, आप कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे कंपनीज एक्ट से। ठीक है, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के डायरेक्टर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेटमेंट। ठीक है, प्लस फ्रॉड,
ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करना है वो वाला फ्रॉड आप बोर्ड रिपोर्ट में दिखाओगे। ठीक है, लिमिट्स होती है ना, 1 करोड़ से अबव आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है, 1 करोड़ से नीचे है तो आप कंपनी में बोर्ड को इन्फॉर्म करते हो। ठीक है, तो अगर 1 करोड़ से नीचे का फ्रॉड है तो आप उसको बोर्ड रिपोर्ट में शो करोगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग कंपनी की क्या क्या पॉलिसी है, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन की क्या पॉलिसी फॉलो कर रही है, कितना पे करना है, क्या क्या लिमिट्स हैं, प्लस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डिक्लेरेशन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो डिक्लेयर करेगा कि कंपनी के अफेयर्स कैसे हैं, क्या है, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कमेंट करेगा बोर्ड ऑन क्वालिफिकेशंस, जो भी ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशंस गई हैं ऑडिटर्स ने, जो भी क्वालिफाई किया है उस पर बोर्ड कमेंट देगा। अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो ही कमेंट करेगा, वरना ये पॉइंट वैलिड नहीं है अगर कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। ठीक है, तो बोर्ड कमेंट करेगा कि उन क्वालिफिकेशन के क्या रीजंस हैं, प्लस वो क्वालिफिकेशन क्यों आई है। ठीक है, कोई लोन्स हैं उनके पर्टिकुलर्स गारंटीड हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इन सारी डिटेल्स भी बोर्ड रिपोर्ट में जाती है। कंपनी के अफेयर्स क्या क्या हैं, ठीक है, अमाउंट ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स, कितना ट्रांसफ़र किया है ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड कितना पे किया है कंपनी ने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात होती है कि आपने कितना एनर्जी कंजर्वेशन में अपना पूरा साल में अपने आप को इन्वॉल्व किया है। ठीक है, कितना आपने सोलर पावर प्लांट्स यूज़ किए या फिर कुछ भी आपने टेक्नोलॉजी जो भी कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज यूज़ की हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हैं आपके, कितना आपने अपना टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है, प्लस फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड आउटगो, कितना आप अर्न कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज में, प्लस कितना आपका आउटफ्लो हो रहा है, कितना आपने पे किया। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है कंपनी की, कैसे कैसे रिस्क मैनेज करती है, CSR कंप्लाई अगर आपको करना है तो CSR के लिए आपने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ अपना अमाउंट स्पेंड किया है, एंड अगर नहीं किया तो उसके रीजंस, एंड सच अदर मैटर्स। तो सच अदर मैटर्स भी हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड हैं कि अदर मैटर्स बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या आएंगे। आपको बोर्ड रिपोर्ट लर्न करने के लिए इसका शॉर्टकट आप बोर्ड रिपोर्ट ही रख सकते हैं। ठीक है, BOARD रिपोर्ट, REPORT। ठीक, बी फॉर बोर्ड मीटिंग्स कि आप कितनी बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हो, ओ फॉर ओवरऑल एक्टिविटीज़ कि ओवरऑल एक्टिविटीज़ क्या क्या है कंपनीज में, ए से एनुअल रिपोर्ट, आपको एनुअल रिपोर्ट के एक्सट्रैक्ट्स देने हैं, एनुअल रिटर्न के एक्सट्रैक्ट्स देने हैं। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट भी आपको सबमिट करनी होती है। ठीक है, रिपोर्ट में आपको मेंशन करना होता है कि एनुअल रिपोर्ट में आपने क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या आपको उसमें बोर्ड रिपोर्ट भी जाती है, सारी डिटेल्स जाती हैं। ठीक है, आर्स से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स देनी है, डी से आपको डिविडेंड कितना पे किया है आपने वो बताना है, आर से बोर्ड ख़त्म हो गया हमारा, देन रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट्स बोर्ड रिपोर्ट, तो बोर्ड कंप्लीट हो गया। आर फॉर रिजर्व्स कि आप रिजर्व्स में कितना ट्रांसफ़र कर रहे हो, ई से एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एनुअल रिटर्न, पी फॉर पर्टिकुलर्स ऑफ लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, आपको बताने हैं कि कितना आउटस्टैंडिंग था, कितना रीपे किया, कितना एक्स्ट्रा और लिया, ओ से अदर मैटर्स, आर से डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। ठीक है, टी से टेक्नोलॉजी एनर्जी एंड फॉरेन एक्सचेंज की डिटेल्स। ठीक है, तो बोर्ड रिपोर्ट करके आप इसको लर्न कर सकते हो। नाउ कंटेंट्स क्या हैं हमारे डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में आप डायरेक्टर्स को क्या क्या, डायरेक्टर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको क्या क्या फॉलो करना है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। ठीक है, डिपार्चर एंड एक्सप्लेनेशन की अगर कोई डेविएशंस हैं तो उसके रीजंस क्या हैं एंड उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या है, हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, तो डिपार्चर क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एंड उसके एक्सप्लेनेशंस क्या क्या हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ वेदर कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, और अगर नहीं कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या है, प्लस उसके रीजंस क्या हैं, जो भी एस्टिमेट्स हैं दे आर रीजनेबल एंड प्रूडेंट एस्टिमेट्स। ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू डिपिक्ट कर रहे हैं अफेयर्स ऑफ द कंपनी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन कर रही है, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कैसे कंपनी फ्रॉड डिटेक्शन पॉलिसीज़ यूज़ कर रही है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ क्या क्या हैं,
गोइंग कंसर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि वेदर एनी इंडिकेटर्स जिससे गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहा है हमारा, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स कैसे हैं कंपनी पे, नॉट डायरेक्टर्स को भी रिप्लाई करना है कि आपके फाइनेंशियल कंट्रोल्स कैसे हैं, कि नाउ ऑडिटर्स भी लाइबल हैं चेक करने के लिए कि कंपनी में इंटरनल कंट्रोल्स कैसे मेंटेन हो रहे हैं, सब कुछ ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, और जो भी लॉज एप्लीकेबल हैं कंपनी को, सिर्फ कंपनीज एक्ट के अलावा दुनिया भर के लॉज लीगल प्रोविजंस हैं जो एक कंपनी में एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, वो जो लीगल प्रोविजंस हैं उनका कंप्लाइंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। इनको आप लर्न करने के लिए सफारी पॉइंट यूज़ कर सकते हो। सफारी में एस इज़ द सेफगार्ड ऑफ एसेट्स, ए से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एफ से फ्रॉड्स डिटेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, देन अगेन ए फॉर अकाउंटिंग पॉलिसीज, आर से रीजनेबल एस्टिमेट्स, आई से इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है। सफारी एलपीजी, एल से लॉज फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, पी से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन हो रही है कि नहीं हो रही अकाउंट्स की, एंड जी से गोइंग कंसर्न। सफारी लॉ एलपीजी, ठीक है, लॉ प्रिपरेशन एज पर एएस एंड गोइंग कंसर्न, तो आप इसको सफारी एलपीजी से यूज़ कर सकते हो। नाउ हमें अदर मैटर्स बताने थे बोर्ड रिपोर्ट में, यहाँ पर ये जो पॉइंट था कि सच अदर मैटर्स, तो वो जो सच अदर मैटर्स हैं उसमें आपको अदर मैटर्स जो बताने हैं, तो अदर मैटर्स में क्या क्या कवर होगा, फाइनेंशियल समरी, ठीक है, कंपनी की फाइनेंशियल समरी क्या क्या है, चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस, जो पहले बिजनेस कर रहे थे अगर उसमें अब कोई चेंज आया है तो वो आपको डिस्क्लोज करना है, डायरेक्टर्स और केएमपी जितने पूरे ईयर में अपॉइंट हुए हैं और जिन्होंने रिज़ाइन किया है, ठीक है, जो अपॉइंट हुआ है जिन्होंने रिज़ाइन किया है, सब्सिडरीज कौन कौन है, जेवीज कितनी है, एसोसिएट्स कौन कौन है, डिपॉजिट्स कंपनी के कितने लिए, कितने रीपे हो गए, कितने आउटस्टैंडिंग है, कितने पेंडिंग है, इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं, कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट का कोई ऑर्डर तो नहीं है जिससे गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट हो रहा है, ये सारे अदर मैटर्स हैं जो आपको बोर्ड रिपोर्ट में सबमिट करने हैं, डिस्क्लोज करने हैं। नाउ साइन कौन कौन करेगा बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑल, चेयरपर्सन साइन करेगा एंड दो डायरेक्टर साइन करेंगे जिसमें से एक एमडी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स, ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट, ये चारों आपकी फाइल होती हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके नोट्स बनते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, एंड ऑडिट रिपोर्ट एंड साथ में बोर्ड रिपोर्ट। नाउ सेक्शन 135 है हमारे पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, CSR का। CSR के प्रोविजंस देखते हैं कि किन किन पे एप्लीकेबल है और क्या 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 एक्टिविटीज़ इनको टेकअप करनी होती है। लेट्स सी कौन कौन सी कंपनीज़ है जिन पर CSR एप्लीकेबल है। हेयर कंपनी इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी, ठीक है, अगर कोई और फॉरेन कंपनी भी ये सब कंडीशंस कंप्लाई करती है तो उसको भी CSR में रिपोर्टिंग करनी है एंड CSR को कंप्लाई करना कंपल्सरी है, ठीक है। और ये जो कंडीशंस हैं ये 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक फॉलो हो रही हैं या 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक कंप्लाई हो रही हैं तभी आपको CSR एप्लीकेबल है, अदरवाइज आप एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। कंपनी इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी सैटिस्फाई स्पेलिंग रॉन्ग है फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है या फिर इक्वल है, टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 1000 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट मोर देन इक्वल टू 5 करोड़, ठीक है। CSR कमिटी हैज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड वेयर मोर देन और इक्वल टू 3 डायरेक्टर्स आर नेसेसरी, एंड प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं, तो वहाँ पर आपके CSR कमिटी में 2 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। वैसे CSR कमेटी में यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव 3 or more डायरेक्टर्स, बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी यू कैन हैव 2 डायरेक्टर्स, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना ज़रूरी है, लेकिन प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं होता है तो उस केस में आपको कमेटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। CSR में कमेटी, जो CSR कमेटी होती है उसका क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, कमेटी की ड्यूटीज़ हैं CSR पॉलिसी को फ्रेम करना, ठीक है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एंड मॉनिटर करेगा पॉलिसी को कि क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, उसको आप कैसे फॉलो कर रहे हैं, किस लेवल तक फॉलो हो रही है, कितना कंप्लायंस हो रहा है, एंड जो मैकेनिज्म है जो भी आप फॉलो कर रहे हो दैट इज़ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जो जो है आप वही दिखा रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ मैनिपुलेशन करके दिखा रहे हो।
एंड जो बोर्ड है, बोर्ड की ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, सीएसआर पॉलिसी को अप्रूव करना, ठीक है, कमिटी फ्रेम करेगी, बोर्ड अप्रूव करेगा सीएसआर एक्टिविटीज़, ये अमाउंट बताएगा कितना खर्चा करना है, ये एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करेगा बोर्ड, ठीक है, एंड कंपनी स्पेंड करती है एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 इमिजिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है, जितना भी आपका पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट है उसका 2% कंपनी को कम से कम स्पेंड करना है, ज़्यादा कर सकती है बट कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी है, एंड प्रेफरेंस आर गिवन टू लोकल एरियाज़ कि आपके आसपास के जो एरियाज़ हैं आप वहाँ पे क्या नाम है ग्रोथ करो, ठीक है, वहाँ पर आप सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करो, वहाँ के एनवायरमेंट को इम्प्रूव करो रेदर देन कि कहीं और के एनवायरमेंट को कर रहे हो, ठीक है। डिस्क्लोजर जाएगा बोर्ड रिपोर्ट के अंदर कि कमेटी का कॉम्पोजिशन क्या है, कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन मेंबर्स हैं, कंटेंट क्या है पॉलिसी का, जो आपने पॉलिसी फ्रेम करी है सीएसआर पॉलिसी उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है, एंड अगर आपको 2% स्पेंड करना था और आपने नहीं किया तो उसका रीजन्स क्या क्या हैं, ठीक है, रीजन्स फॉर नॉट स्पेंडिंग द 2% अमाउंट, और नो सीएसआर outside India, benefit of employees and contribution to political parties and activities in the normal course of business, ठीक है, ये चारों activities अगर आप constitute कर रहे हो तो इसका मतलब आप CSR activities नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर आप outside India कर रहे हो, government बोलती है कि अगर आपको कुछ contribute करना है, अगर social responsibility fulfill करनी है तो आप India में करो पहले, ठीक है, तो अगर आउटसाइड इंडिया कोई स्पेंड किया है तो वो सीएसआर में काउंट नहीं होगा। देन बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़, आप सोसाइटी का बेनिफिट करो, एम्प्लॉयज़ को आप सैलरी पे कर रहे हो, दैट इज़ इनफ, ठीक है, तो अगर सैलरी एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए आपने कोई काम किया है तो आपको सीएसआर एक्सपेंडिचर में कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, अगर आपने कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो वो भी आपके सीएसआर एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं होगा, एंड प्लस अगर आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं आप उसमें जो भी खर्चे करते हो जो कि नेसेसरी है आपके बिजनेस के लिए वो सब खर्चे भी सीएसआर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं होंगे। नाउ आप सीएसआर कैसे कैसे फ्रेम कर सकते हो, आप कैसे कैसे खर्चे कर सकते हो, किन किन वेज में आप कर सकते हो, वाया ट्रस्ट, एक ट्रस्ट हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट हो जो सेक्शन 8 में इनकॉर्पोरेटेड है कंपनीज, ठीक है, आप उनके थ्रू आप एक्सपेंस कर सकते हो तो वो आपका सीएसआर में काउंट हो जाएगा। किसी और कंपनीज के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो कि हम मिलकर स्पेंड करेंगे, ठीक है, और उसका 3 ईयर्स का पास्ट रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, सीएसआर में, और आप खुद के पर्सोनल्स भी एंगेज कर सकते हो, उनकी भी एक ग्रुप बना सकते हो कि वो लोग सीएसआर का स्पेंड करेंगे, लेकिन आप जितना टोटल सीएसआर में स्पेंड कर रहे हो उस टोटल का सिर्फ 5% ही आप ओन पर्सोनल के थ्रू करोगे, उससे ज़्यादा नहीं करोगे, ठीक है। सिर्फ आपको टोटल अमाउंट, सपोज आपने 2 लाख स्पेंड किया, 2 लाख का सिर्फ 5% ही आप खुद के पर्सोनल के थ्रू करोगे। सीएसआर एक्टिविटीज़ कौन सी कॉन्स्टिट्यूटेड है, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी कवर होती हैं सीएसआर में, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, अगर आपने नोट्स में देखा होगा तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ गिवन है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं, हंगर, पावर्टी, एजुकेशन रिलेटेड, जेंडर इक्वालिटी रिलेटेड, आप कुछ जैसे सेमिनार्स होते हैं वैसा कुछ कंडक्ट कर रहे हो, एनवायरमेंट में कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो, नेशनल हेरिटेज के लिए कुछ आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए हैं, वॉर विडोज की हेल्प कर रहे हो, स्पोर्ट्स में कुछ आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, रिलीफ फंड्स हो गए वहाँ पर आपने कुछ पे किया है, रूरल एंड स्लम डेवलपमेंट में आपने हेल्प की है, तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ आपकी सीएसआर में कवर होती हैं। Now we move on to section number 136 बोलता है सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको सर्कुलेट करने होते हैं, आगे मेंबर्स तक पहुंचाने होते हैं, तो एप्लीकेबिलिटी क्या है, सारी लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल है सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्लस पब्लिक कंपनी जिनकी नेटवर्थ 1 करोड़ से ज़्यादा है और जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, आपको मीटिंग से, जनरल मीटिंग से 21 डेज पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट प्लस ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये मेंबर्स को, ट्रस्टीज़ को और जो भी पर्सन्स हैं जिनको आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने हैं आप उन सबको प्रोवाइड करोगे, ठीक है, 21 डेज बिफोर मीटिंग। नाउ सेक्शन 137
137 बोलता है फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द रजिस्ट्रार। अब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए हैं तो अब आपको रजिस्ट्रार को फाइल करने हैं, तो आप एजीएम, जब भी आपकी एजीएम होगी, एजीएम के 30 डेज के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रार को, जब भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट कर लिए हैं एजीएम में, तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रार को सबमिट करोगे। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी रीज़न की वजह से अडॉप्ट नहीं हो पाए एजीएम में, देन जो आपने एजीएम जिसमें अडॉप्ट नहीं हुए उस एजीएम से 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोगे, ठीक है। देन एडजर्न जो हुई है आपकी एजीएम, उस एजीएम में नहीं हुए तो आपकी मीटिंग एडजर्न हो जाएगी, ठीक है। एडजर्न एजीएम से 30 डेज के अंदर अंदर जब वो फाइनली अडॉप्ट हो गए तब आप रजिस्ट्रार को सबमिट करोगे। और देर मे बी अ केस कि जहाँ पर आपकी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट ही नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आप एजीएम कंडक्ट ही नहीं कर रहे हो तो लास्ट डेट शुड हैव बीन हेल्ड, जब वो एक्चुअल डेट जब होनी चाहिए थी उस डेट से 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार को फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने होंगे। अगर 1% कंपनी का केस है तो 1% कंपनी के केस में जब भी फाइनेंशियल ईयर आपका क्लोज होता है, फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर से विद इन 180 डेज यू हैव टू फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस अदर डॉक्यूमेंट्स थ्रू द रजिस्ट्रार, ठीक है। AOC-4 है फॉर्म नंबर जिसमें आपको सबमिट करना होता है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए AOC-4 CFS है, एंड XBRL रिपोर्टिंग करनी होती है। जिन बच्चों ने किया होगा XBRL फॉर्मेट में वर्क, तो उनको पता होगा एक गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने जिस भी मेथड से प्रिपेयर किए, जिस भी फॉर्म में प्रिपेयर किए, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है, गवर्नमेंट को उससे मतलब नहीं है। तो उनका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है कि वो फॉर्मेट में आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाल के हमें दे दो, ठीक है। तो वो जो फॉर्मेट में जो ई फाइलिंग होती है, गवर्नमेंट के जो XBRL का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में फाइलिंग करने के लिमिट्स है। अगर कंपनी उस लिमिट्स को क्रॉस करती है तो आपको मैंडेटरी XBRL फाइलिंग करनी है, ठीक है। लिस्टेड कंपनीज़ को करनी है, और वो कंपनीज़ जिनकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा है या फिर 5 करोड़ है और टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 100 करोड़, ठीक है, उनको XBRL फाइलिंग करनी है। नाउ सेक्शन 138 बात करता है इंटरनल ऑडिट की। इंटरनल ऑडिट किन किन कंपनीज़ पे एप्लीकेबल है? ऑल लिस्टेड कंपनीज़ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनीज़ पे एप्लीकेबल है जिनका इसका लिमिट लर्न कैसे करोगे आप? 25, 50, 100, 200, मतलब डबल हो रहा है। 25 करोड़, उसका डबल 50, उसका डबल 100, उसका डबल 200, ठीक है। 25, 50, 100, 200। नाउ डिपॉजिट्स कंपनी के सबसे कम होते हैं, ठीक है। फिर शेयर कैपिटल, जब नई कंपनी भी इनकॉर्पोरेट होती है तो मिनिमम शेयर कैपिटल 1 लाख प्रिस्क्राइब है, ठीक है। तो लोअर लिमिट में 50 करोड़ आएगा शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर आप उससे, उसके बाद आप बोरोइंग्स लेते हो, ठीक है। 100 करोड़ की आपने बोरोइंग्स ली एंड कंपनी का टर्नओवर जितना हाई होगा कंपनी को उतना बेनिफिशियल होगा, तो 200 करोड़ की टर्नओवर हो गई। फर्स्टली डिपॉजिट्स, देन शेयर कैपिटल, देन बोरोइंग्स एंड देन टर्नओवर, ठीक है। 25, 50, 100, 200 करोड़, ये है अनलिस्टेड कंपनी के लिए। लिस्टेड के लिए मैंडेटरी है इंटरनल ऑडिट रखना, ठीक है। और ये सारी जो लिमिट्स हैं, लिमिट्स हम कम देखेंगे ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो भी एकदम इमीडिएटली पहले वाला जो ईयर था। एंड प्राइवेट कंपनी के लिए सिर्फ लोन्स एंड टर्नओवर वाली कंडीशन एप्लीकेबल है कि अगर आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स 100 करोड़ से ज़्यादा है और टर्नओवर इज़ मोर दैन इक्वल टू 200 करोड़, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है? CA भी हो सकता है, वेदर प्रैक्टिसिंग और नॉट। अगर वो प्रैक्टिस कर भी रहा है, नहीं कर रहा, देन ऑल्सो ही कैन एक्ट एज एन इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटेंट इंटरनल ऑडिटर एलिजिबल है बनने के लिए, या फिर कोई और प्रोफेशनल, वो एम्प्लॉय भी हो सकता है या एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता, ठीक है। कोई और प्रोफेशनल भी क्या नाम है, इंटरनल ऑडिट कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट्स ऑफ द कंपनी चैप्टर ख़त्म होता है। हम एक बार फटाफट सारे सेक्शंस गो थ्रू कर लेते हैं। हमने 128 से स्टार्ट किया था एंड वी हैव मूव्ड ऑन टुवर्ड्स 138 सेक्शन, ठीक है। 128 से 138 तक फटाफट रिकॉल करते हैं। 128 सेक्शन नंबर में हमने लोकेशन, मैनर एंड पीरियड ऑफ मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स डिस्कस किया था कि किस लोकेशन पे मेंटेन करना है, किस तरीके से मेंटेन करना है, कितने टाइम पीरियड के लिए करना है एंड कौन कौन इंस्पेक्शन कर सकता है। देन 129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की थी कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंसोलिडेशन एंड ऑल को कवर किया था हमने,
ठीक है। देन 130 में रीओपनिंग ऑफ द अकाउंट्स की बात की थी कि रीओपन या रिकास्ट कर सकते हैं कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे, और वहाँ पर एप्लीकेशन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटी सेबी एंड ऑल ने दी थी, ठीक है। देन ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा तो रीओपन कर सकते हो आप, ठीक है। उसमें दो केसेस थे, मिसमैनेजमेंट और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। नेक्स्ट हमने सेक्शन 131 पढ़ा था, वॉलेंट्री रिवीजन। अगर बोर्ड खुद से बोर्ड रिपोर्ट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में खुद से रिवीजन कर सकता है अगर उसको लगता है कि किसी पर्टिकुलर लॉ का कंप्लाइंस नहीं हुआ है, ठीक है, तो बोर्ड खुद से भी रिवाइज कर सकता है। एंड उस केस में ट्रिब्यूनल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और इनकम टैक्स अथॉरिटी इन दोनों का रिकमेंडेशंस कंसिडर करेगा। देन 133 सेक्शन बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नफरा से कंसल्टेशन के बाद, एंड जब तक नफरा कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है तब तक नकाज के साथ कंसल्टेशन किया जाएगा, ठीक है। देन सेक्शन 134 था हमारा बोर्ड रिपोर्ट का। बोर्ड रिपोर्ट में हमने ये देखा था कि आपके डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और अदर मैटर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंटेंट्स भी हमने पढ़े थे और अदर मैटर्स के कंटेंट्स भी पढ़े थे, ठीक है। देन 135 सेक्शन नंबर 134 में हमने ये भी देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रूव और साइन कौन कौन करेगा। देन 135 में हम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे कि कौन कौन कंपनीज पे एप्लीकेबल है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कवर है, एंड किस मैनर में आप CSR एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन सेक्शन 136 था सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल है, आपको सर्कुलेट करना है 21 days बिफोर द मीटिंग। देन सेक्शन 137 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रार को फाइल करने हैं। तीन केसेस थे, जब आपने AGM में अडॉप्ट कर लिया, जब आपने नहीं किया तो उस केस में हम एडजर्न AGM के बाद फाइल करेंगे, पहले हम प्रोविजनली दे देंगे 30 days में। एंड अगर थर्ड केस था कि AGM हुई ही नहीं है, तो अगर आपने AGM कंडक्ट ही नहीं की है तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में अगर आपकी AGM नहीं हुई है तो लास्ट डेट जिस डेट पर AGM होना चाहिए था उस डेट से 30 days में आप रजिस्ट्रार को फाइल करोगे। ये था हमारा सेक्शन 137। देन हम 138 हमने पढ़ा इंटरनल ऑडिट का, जिसमें किस किस पे एप्लीकेबल है और कौन इंटरनल ऑडिटर की तरह एक्ट कर सकता है। तो 128 to 138 हमने कवर कर लिए हैं, आप भी रिकॉल करना, आपको लर्न हो जाएंगे, दीज 10 सेक्शन आपके टिप्स पे हो जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम ऑडिट रिपोर्ट का रिवीजन टेकअप करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टडी वेल।